24 आवर्स ऐसे ही खड़े रहते हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे ब्लॉग्स अगेन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी धमाकेदार होने वाली है। बहुत ही नई चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि इंडिया गेट के पास ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि है नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल अभी बस नया नया ही बना है दिल्ली में। मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता हूँ और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर ये क्यों बना है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आके। अभी तक ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इसके बारे में सारी जानकारी ले सके। तो हम लोग उस एंट्रेंस से अंदर आ चुके हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं लगती है। यहाँ पे आप सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक विजिट कर सकते हैं। अभी तो दोपहर है तो बहुत खाली है क्योंकि धूप ज़्यादा है। 42 डिग्री में ब्लॉक करेंगे तो ऐसे पसीना आएगा ना, और हम तो थोड़ा कम गोरे हो जाएंगे। बाकी आप आ सकते हो सुबह आना, या तो सर्दियों के टाइम में आ जाना। अभी नया खुला है तो थोड़ा क्रेज़ रहता है लोगों में कि हाँ चलो देख के आते हैं क्या चीज़ है। अंदर जाके मैं आपको डिटेल्स और बताऊँगा। ये मेरे पीछे ये देख रहे हैं आप गेट, इससे मैं अंदर आया हूँ और अंदर आके अच्छा लग रहा है। मैं आपको नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि ये नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों बनाया गया है। वॉर मेमोरियल एक्चुअल में इसलिए बनाया गया था कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए, और 1947 से लेकर 1999 तक जो भी जवान शहीद हुए हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो कौन सी बटालियन से थे, उनका आईडी क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हुई हैं। दिल्ली में अभी ये बिल्कुल नया बना है, बहुत ज़्यादा पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं है। अभी 2-3 महीने हुए हैं इसको बने हुए, तो रिसेंटली मैं आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बनाने के लिए आ गया कि दिल्ली में इस तरह की भी कोई जगह है, आप लोग जाने। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ही मैं हर बार आता हूँ, तो इस बार भी आप लोगों को कुछ नया बताने की कोशिश ने मुझे यहाँ तक खींच लाया है। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे हर शहीद के लिए एक अलग से ब्रिक बनाई गई है जिसपे उसका आईडी नंबर, उसका नाम और वो कौन सी बटालियन से बिलोंग करता था, वो सारी चीज़ें मेंशन है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आईडी और ये है नाम हमारे जवान का, और ये किस बटालियन से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और हर जवान के लिए एक अलग अलग ब्रिक तैयार की गई है, उस पर उसका नाम मेंशन किया गया है। और तकरीबन यहाँ की जो ब्रिक्स हैं वो तकरीबन 25,942 के आसपास हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आके कि हमारे जो जवान शहीद हो गए थे किसी लड़ाई में, तो उनको याद करने के लिए भी ये सारी चीज़ें की जा रही हैं हमारे देश की सरकार की तरफ से। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चीज़ बड़ी कमाल की है, बहुत ही सुंदर है। बस एक काम मत कीजिएगा, जब आप देखने आओ यहाँ किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ ना कीजिए, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, वैसे ही अच्छा लग रहा है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि दुनिया से जाने के बाद उन शहीदों को याद करने के लिए उनके नाम एकदम सुनहरे अक्षरों से यहाँ पर लिखे गए हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया से कोई चला जाता है तो उसको इतना कोई याद नहीं करता, लेकिन जो हमारे शहीद हैं उनको याद किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
कमाल की बात यहाँ पे ये है कि आपको 1947 के बाद जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे कमाल की बात मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत हैरान कर देने वाली है कि यहाँ पे अभी जो मैंने आपको दिखाया था पीछे एक सोल्जर खड़ा था उस छतरी के नीचे, तो सोल्जर इसलिए खड़ा है ताकि मरे हुए जवानों को रिस्पेक्ट दे सके। जैसे ही उसकी ड्यूटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो कोई नेक्स्ट सोल्जर आके वहाँ पे खड़ा रहता है। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर हमेशा खड़ा रहता है उन जवानों को रिस्पेक्ट देने के लिए। ये बहुत ही कमाल की बात है। अभी उससे भी एक कमाल की बात मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे सामने जो ये स्क्रीन लगी है ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। ये पूरी तरह से स्क्रीन टच है और इसमें आप आईडी नंबर, नाम और रेजिमेंट से उन जवानों को आप ढूंढ सकते हैं। और जो अभी का रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है वो है 16,884। इतने लोगों ने सर्च किया है इस स्क्रीन के थ्रू किसी जवान को। बहुत ही कमाल की फैसिलिटी है। अभी यहाँ पे हम जिस गार्डन में आए हैं वो बहुत ही कमाल का है और बहुत ही ख़ास है इस वॉर मेमोरियल के लिए और आप लोगों के लिए। जब भी आप वॉर मेमोरियल देखने आएँ तो इस गार्डन में ज़रूर आएँ। इस गार्डन की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो हमारे 21 जवान ऐसे थे जो शहीद हुए थे, उन 21 जवानों ने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम किया था, तो उनके लिए यहाँ पे मूर्तियाँ बनवाई गई हैं उनकी। तो आप लोग जब भी आएँ तो इस गार्डन को देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही अच्छा है, कमाल का गार्डन है। यहाँ पे कुछ भी खा नहीं सकते अंदर और घास पे नहीं चल सकते। सारी बातें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आना कैसा है। इंडिया गेट के जस्ट पीछे ही है ये वॉर मेमोरियल। थोड़ी सी परेशानी है यहाँ पे, जब भी आओ तो पार्किंग का जुगाड़ करके आना, क्योंकि पार्किंग बहुत ही मुश्किल से मिलती है इंडिया गेट के आसपास। और कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं लगती है। सुबह 9 बजे खुल जाता है और शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है ये। आओ देखो और थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो उन जवानों को। सारा टूर हमने कर लिया है, तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, आधा पौना घंटा लगा देखने में। और चलते हैं हम अपने घर की तरफ। अब धूप वैसे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटी है नेशनल वॉर मेमोरियल में। जब आप नीचे एग्ज़िट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो ये था मेरा सारा नेशनल वॉर मेमोरियल का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को नीचे लाल वाला बटन दबाकर, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बस इन्जॉय कीजिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। -42 डिग्री में जब आप ब्लॉग करेंगे ना, बस ऐसे ही हाल होना वाला, एकदम टैन काला हो जाओगे बेटा, काला।